तो भेड़िया मूवी को देखने के लिए लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मूवी अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है। इसके कई सारे रीजन भी है और दोस्तों इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है, कब तक देखने को मिलेंगे, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो, मूवी को देखना चाहते हो, तो वीडियो को एंड देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस बात में कोई डाउट नहीं कि भेड़िया मूवी बहुत ज्यादा कमाल की थी। हालांकि दृश्यम उस टाइम पर थिएटर पर लगी थी, फिर भी दोस्तों मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी और लोगों को पसंद भी आ रही थी। बात करें दोस्तों इसके ओटीटी राइट्स के बारे में, तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि इस मूवी के जो ओरिजिनल राइट्स यानी कि ओटीटी राइट्स होने वाले हैं वो है दोस्तों जियो सिनेमा के पास में, क्योंकि इस मूवी के प्रोडक्शन के पीछे जो हाथ था वो था दोस्तों जियो स्टूडियोज का। तो वहां पर ये बात क्लियर हो जाती है, ये मूवी आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी। बीच में नेटफ्लिक्स भी घुस रहा था, लेकिन उस बात को लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है। फिर बात करें दोस्तों रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि मूवी दोस्तों अभी इतनी जल्दी ओटीटी पर नहीं आने वाली। एन एक्शन हीरो मूवी तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसे और भी ज्यादा डिले करने वाला है, यानी कि जो इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म है जियो सिनेमा दोस्तों विक्रम विदा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। इनके पास जितने भी मूवी के राइट्स जा रहे हैं वो दोस्तों जल्दी रिलीज कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ इस मूवी के साथ में करने वाले हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आए उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि मूवी आपको दोस्तों फरवरी के मंथ में देखने को मिलेंगी, जो कि लगभग बीच में यानी कि फरवरी के मिड में रिलीज हो सकती है। आप मानकर चल सकते हैं, एक आइडिया मैं आपको रिलीज डेट का देना चाहूँ तो लगभग 17 फरवरी के आसपास, दोस्तों 17 फरवरी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ लीक्स और रूमर्स है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस मूवी के बारे में वेट कर रहे हो तो कमेंट में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।